हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे सक्षम अपना जो पासवर्ड है वो उठपटांग सा रखते हैं। मतलब जब रिपोर्टिंग करने का टाइम आता है, अटेंडेंस के लगाने का टाइम आता है, दो गलत हो गए, तीन गलत हो गए, याद नहीं रहता। कोई भी मेरे बगैर चेक करे आईडी, या फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाकर के कुछ पूछताछ करें, कोई आईडी या पासवर्ड मांगे, तो मतलब छोटा बड़ा क्या यार। तो चलिए आज आप उस सौदे को निपटा देते हैं। तरफ यहाँ पर अपने गूगल में जाकर के लिखना है सक्षम योजना चेक स्टेटस। जैसे ही आप लिखोगे तो आपके सामने कुछ एक सेकेंड आपके सामने एप्लीकेंट डिटेल आएगा, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने रोजगार विभाग हरियाणा की साइट ओपन हो जाएगी। फिर अपने वो करना है लॉगिन पे क्लिक। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं फिर आता है सक्षम युवा, सेकंड वाला सक्षम युवा, ठीक है, इस पर आप क्लिक करते हैं। चलिए कर दीजिए। अब यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट जो है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो यहाँ पर भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर भर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला आता है पासवर्ड, चलो इसको भी भर देते हैं। फिर आता है अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, उसको भी भर दिया। फिर नीचे होता है कैप्चा BPM55V, ये हमने सब कुछ भर दिया है। उसके बाद आप कर देते हैं लॉगिन। जैसे आप लॉगिन करेंगे आप लोग देख सकते हैं ये अपनी आईडी ओपन हो चुकी है, ठीक है। ये आईडी ओपन होने के बाद अब क्या करना है आपको, मैनेज अकाउंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जा कर के क्लिक करना है। ये मैनेज अकाउंट पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर जा कर के अब आपको पहला पहला ही दिखेगा चेंज पासवर्ड, दिखाई दे गया। यहाँ पर चेंज पासवर्ड ऐसे करना है, यहाँ पर अब आ गया है चेंज पासवर्ड। अब आपके सामने कुछ ऐसा कॉलम जो आपके सामने प्रतीत होगा कि करंट पासवर्ड, फिर न्यू पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड। तो करंट पासवर्ड में आपको क्या भरना है, करंट पासवर्ड में आपको भरना है जो आपका फ़िलहाल पासवर्ड है। तो मेरा जो फ़िलहाल पासवर्ड हो वहाँ भर देता हूँ। ये लीजिए, मैंने जो मेरा फ़िलहाल पासवर्ड था, जो करंट पासवर्ड में जो अभी पासवर्ड था वो मैंने भर दिया है। अब न्यू पासवर्ड में क्या भरना है, न्यू पासवर्ड में जो आप जो नया पासवर्ड बनाने जा रहे हो वो वाला भरना है। न्यू पासवर्ड में आप जैसे भर सकते हो, जैसे मेरा नाम है सुमित, तो आपको इसमें करेक्टर और छोटे बड़े यूज करने पड़ेंगे। तो आप अस बड़ा कर देते हैं, और अस बड़ा करने के बाद UMIT कर दिया। अब आगे लगा दिया 1 2 3, ठीक है, आप कुछ भी लगा दो 1 2 3, और फिर लगा दो @, ठीक है, या फिर @123 लगा दो, कुछ भी लगा दो, वो आपका नया पासवर्ड हो जाएगा। जैसे नया पासवर्ड होता है उसके बाद जो सेम है, सेम का सेम नीचे भरना है, सेम जैसे हमने क्या भरा था SUMIT और 1 2 3 @ जो भी था, तो वो आपको भर करके सेम पासवर्ड आपका नीचे दिखाई भी देगा कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और न्यू एंड कंफर्म पासवर्ड इज मैच, ये रेड रेड अक्षरों में आपको दिखाई दे देगा। तो तब जाकर के आपको नीचे नीचे दिखाई देगा सबमिट पासवर्ड। तो सबमिट पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने आएगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब जो आपका नया पासवर्ड है वही सब कुछ है, ठीक है। अब आप पुराने वाले पासवर्ड को भूल जाओ, जो नया पासवर्ड है वही आपका पासवर्ड नया बन चुका है जो आपके नाम से है। आप अपना पासवर्ड बेसिकली आप ऐसे भी लगा सकते हैं, सारे अक्षर छोटे कर लो, चाहे Sumit@123, जिसका नाम रोहित है Rohit@123, जिसका नाम अनिल है Anil@123, मतलब आप ये 123 जगह आप 123 जगह आप 456 भी लिख सकते हो, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख सकते हो, वो अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार है, या फिर 1 2 3 @Rohit भी लिख सकते हो किसी को मतलब बताना चले तो। मतलब ये @ हो गया, 1 2 3 4, मतलब ये करेक्टर और अल्फ़ा और वर्ड ये सारे यूज़ में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने सुमित नाम लिख दिया तो पासवर्ड कर दिया, नहीं चलेगा नहीं। जो करेक्टर होते हैं ना, करेक्टर भी होने चाहिए, अल्फ़ाबेटिक भी होने चाहिए, और जो काउंटिंग है ये 1 2 3 हो गए, करेक्टर हो गए, ये सिंबल हो गए, साइन हो गए, ये यूज़ करने हैं, इसीलिए 1 2 3 भी हो गया,
काउंटिंग भी होगी और ये अल्फ़ाबेटिकल भी होगी जो अपना नाम हो गया, और आप ये अलग तरीके से साइन हो गए, जैसे कि ऐट द रेट हो गया, डॉलर हो गया, ऐसे आप साइन लगा सकते हैं, तब जाके आपका पासवर्ड एकदम स्ट्रोंगली हो जाएगा और आपको दिखाई देगा ग्रीन ग्रीन अक्षरों में पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। ये आप सभी कर लीजिए, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ज़रूरी है, कोई भी मैंडेटरी नहीं है ये, ठीक है, कि सभी को करना ही है, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, जिसको करना हो कर लो, ना करना हो टाल कर दो, एकदम सीधी बात, नो बकवास, लेकिन कर लोगे ठीक है, मतलब आपका पासवर्ड हमेशा याद रहेगा कि हाँ भाई मेरा वो पासवर्ड था, सीधा सिंपल पासवर्ड भर सकते हो, अपने नाम के आगे ऐट द रेट लगा के 123 भर सकते हो या 12345 तक भर सकते हो, हमेशा आपको पासवर्ड याद रहेगा, अदरवाइज हमेशा क्या सोचते हैं, ओ यार पासवर्ड क्या था, पासवर्ड क्या था, पासवर्ड क्या था, हमेशा यही मन में रहता है। तो वीडियो शेयर कर दो ताकि सभी को पता लग जाए कि ऐसे चेंज पासवर्ड होता है। लाइक कर दिया करो यार, लाइक में कुछ नहीं लगता, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।